तो देखो गाइस पानी के पास आ चुके हैं और पानी में छोटा छोटा मछली दिखाई दे रहा है। रुको दिखाते हैं आप लोग को। तो बस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ऊपर से नज़ारा बढ़िया आता है। और जितना ऊपर आज धूप नहीं है तो मतलब आज हवा नहीं है तो धूप ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि जो बाइकर से सब आते हैं ना वो ज़्यादा मेनली वो सब स्प्रेइंग का काम करते हैं ना, लीप ऑन लगा सबसे डेडली। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू नलो, वेलकम बैक टू एसपी लाइफ। तो भाई अभी अभी चाय मिला अपने को और चाय बहुत ही स्वादिष्ट है, तो एक प्रैंक किया जाए। चलो अरे कौन बनाया चाय? क्यों है? क्यों कैसा चाय बनाया है? अरे इतना बढ़िया है। अरे ऐसा तो नाश्ता हो गया गाइस और बैठे बैठे एसपी को मन कहाँ लगता है, तो फिर आज चलते हैं रांची का एक और जगह एक्सप्लोर करते हैं, ब्लू पॉन्ड। ब्लू पॉन्ड नाम है उस जगह का, तो गाइस दिखाते हैं। और डेडली पॉन्ड भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सी जाने जाती हैं डूब के, जिसको तैरना आता है उसकी नहीं, जो जिसको नहीं तैरना आता वो लोग डूब जाता, पता नहीं वहाँ क्यों घुसता ही थी पानी में। तो बस वहीं जाते हैं, ठंडा भी लग रहा है तो मस्त एकदम धूप में, थोड़ा सा अकेले सोलो ट्रैवलिंग आज, विकास नहीं है अपने साथ क्योंकि विकास के पास कुछ काम है तो वो हमारे साथ नहीं जाएगा। तो गैस बस निकलते हैं अकेले। तो गैस देखो अकेले अकेले आ चुका हूँ मैं ब्लू पॉन्ड। बढ़िया यहाँ हवा चल रहा है लेकिन कल जैसा हवा नहीं चल रहा गैस, यहाँ थोड़ा अभी स्लो हवा चल रहा है और गर्मी है ज़्यादा। तो बस थोड़ा देर बैठा जाए मस्त यहाँ पर ब्लू पॉन्ड। यहाँ का ब्यूटी देखो, पानी के पास आ चुके हैं और पानी में छोटा छोटा मछली दिखाई दे रहा है। रुको दिखाते हैं आप लोग को थोड़ा और पास से। तो देख लिए ना गाइस मछली का वीडियोग्राफी कितना सुंदर दिख रहा था, सारा छोटा छोटा मछली लोग कितना बड़ा दिख रहा था, इतनी चुदी चुदी है ना इन लोग का, नेग्लेजिबल जैसा इन लोग फिर भी इतना बड़ा बड़ा दिख रहा था। तो निकलते हैं अब यहाँ से। देखो ब्लू पॉन्ड वहाँ पर है लिखा हुआ, बहुत सुंदर लिख दिया ब्लू पॉन्ड, कोई भी लिखा है यहीं का लोकली कोई लिखा है वहाँ का, मतलब यहाँ सरकार वगैरह नहीं लिखवा है, क्योंकि जो बाइकर से सब आते हैं ना वो ज़्यादा मेनली वो सब स्प्रेइंग का काम करते हैं ना तो वो ज़्यादा लिखते हैं, तो इसी वजह से उन्हीं लोग का काम है किसी का ब्लू पॉन्ड लिखना, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। देखो ब्लू पॉन्ड ऊपर से दिखाते हैं एक लुक। लो गाइस एक व्यू यहाँ से भी मेरे साथ ही लो। ये देखो ब्लू पॉन्ड, डेडली पॉन्ड लगा सबसे डेडली पॉन्ड बहुत सी। तो देखो गाइस ब्लू पॉन्ड से तो नहीं चले गए और जब भी आते तो पहाड़ तो चढ़ते ही है, ये देखो। तो बस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ऊपर से नज़ारा बढ़िया आता है। और जितना ऊपर आज धूप नहीं है तो मतलब आज हवा नहीं है तो धूप ज़्यादा फायदा करेगा, बाकी थक के हालत ख़राब है अपना। तो ये देखो गाइस सबसे टॉप पर आ चुके हैं, यहाँ से पूरा रांची भी दिखता है, रिंग रोड भी दिखता है और ये इधर पूरा का पूरा KGF। ये देखो वहाँ पे एक आदमी भी है, वहाँ पर उधर से जब रांची जाते हैं उधर का नज़ारा, जब उधर थोड़े से जाते तब तक KGF देखो इधर का। तो देखो दो ट्रेन भी लगा हुआ है इधर का, रांची का व्यू में ना बहुत धूप है भाई सर चेहरा पे। ये देखो पता नहीं कहाँ का ट्रेन है, लोकल ट्रेन लग रहा है, ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है, लेकिन व्यू जो यहाँ का आता है ना बहुत तगड़ा आता है। पूरा रांची पूरा दूरवा डैम बढ़िया। तो उधर से ही होते हुए जाएंगे फिर सामने निकेत से ही मिलते हैं, बस यहाँ से निकलेंगे थोड़ा देर में, उसका कॉलेज का भी छुट्टी हो जाएगा तो उससे भी मिलते हैं आज शाम में, रहते हैं आज इधर ही। तो सोचा भाई जब इधर आते ही है तो ध्रुवा डैम तो अपना एक लोकेशन बनता ही है हमेशा की तरह, ध्रुवा डैम अपना सबसे मेन लोकेशन है ब्लॉग का, वो रीज़न है वो जब हम फेमस होंगे आगे जाके। देखा ऐसा ही कॉन्फिडेंस रखना चाहिए फेमस होने का, फेमस होंगे आगे जाके तब दिखाएंगे बताएंगे क्यों ध्रुवा डैम सबसे मेन पार्ट बनता है मेरे ब्लॉग का। तो बस अभी यहाँ थोड़ा देर बैठते हैं
अभी तो दो ही बज रहा है क्योंकि मुश्किल से जाएंगे अभी घर तरफ तो 4 बजे तक जाएंगे। इधर रुकने का प्लान नहीं है, एक काम याद आ गया क्योंकि। तो बस गाइस निकल रहे दुर्वा डैम से, हो गया अभी यहाँ का सेशन भी ख़त्म अपना। तो एट लास्ट गाइस बहुत दिनों बाद JSCA भी आए, ये देखो चलते हैं थोड़ा सा कॉफ़ी पीते हैं अपटाउन में, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। ये देखो गाइस अपटाउन कैफे में एक छोटा सा पेस्ट्री, छोटी सा पेस्ट्री आया है। इंजॉय करते हैं पेस्ट्री, उसके बाद फिर निकलते हैं घर की ओर। ये हम तब से बोले जा रहे हैं हम घर की ओर निकलते, घर की ओर निकलते, निकल रहे हैं नहीं। तो गाइस निकल रहे हैं अमिताभ चौधरी पवेलियन से, अब निकलते हैं निकेत के पास सामने, उसके पास से फिर अब घर निकलेंगे। बोले ना घर जाने का पता नहीं क्या क्या है, घर 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 के ही। तो फाइनली घर आ चुके हैं गाइस, और उधर अभी किसी के घर जाने का मन नहीं किया, निकेत के पास भी नहीं गए क्योंकि ऐसे ही लेट हो गया था, तो सोचे घर आया जाए पहले। तो सोच रहा हूँ शाम में अभी तो चलूँगा, अभी तो जाऊँगा खेलने पीछे ग्राउंड, उसके बाद आता हूँ तो देखो गेमिंग करते, थोड़ा सा गेमिंग करते हैं। हाँ गेमिंग करते गाइस। ये देखो पीछे मैच चल रहा है, अरे पलटो, अबे शुरुआत से खेल रहे लेकिन एक बंदा इतना अमीर होता जा रहा ना, राज बता ही नहीं रहा है। अरे बता ना राज, बता ना कैसे अमीर हो रहा है, डेली नया टी शर्ट पहन कर। देखो थोड़ा सा मैच देख लो। अबे छोड़ दे बे खेलना, पलटू से सीख खेलना, तुम इतना पीछे खेल रहा हो, इतना आगे चला गया देख, भले बस जगह खा रहा बड़का गो का लेकिन। तो गाइस घर आ चुके वापस ठंड से, अब करता सर्दी हुआ पड़ा है भाई, बहुत भयानक, कल अचानक से सर्दी हो गया इतना जोर का नम को, देखो कब तक ठीक होता अब सर्दी। तो बस अभी बहन से टिकट करवा रहा था मैं ट्रिप के वापस आने का, और अभी तक ट्रिप नहीं रिवील किया हूँ ना, ट्रिप करूँगा आगे मैं जाकर रिवील, अक्षत के साथ ही करूँगा जब दिल्ली चला जाऊँगा, उसके बाद कहाँ निकल रहा है वो देखना, उसी से मैं रिवील होगा। तो अभी बस टिकट करवा रहा दीदी से सामने में, तो आते को सर्दी हालत ख़राब कर दिया यहाँ का ठंडा रांची का अचानक से। तो एक आखिरी बार घर से निकलना पड़ रहा है मेरे को, थोड़ा सा छोटा सा वॉक के लिए अपना डीजे भाई के लिए। देखो चल रही डीजे, तो खुद आर्मी वाला पहन लिया है, ठंडा तो हमको लग रहा है, इसको तो वैसे भी नहीं ठंडा लगता, वो फ्लफी है ना। तो और ये सब है भी भाई ठंडा रीज़न का ही कुत्ता, तो गर्मी तो इन लोग का हालत ख़राब रहता है। तो बस निकलते हैं फिर आके भाई वीडियो को एंड करते हैं, ब्लॉग को मतलब अपने। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, आ चुका है डीजे घर, एंड वीडियो को एंड में एक बात भी कह देते हैं, इफ़ यू गोइंग थ्रू बैड डेज गेट अ डॉग। तो बाय बाय, गुड नाइट गाइस।